हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वेलकम बैक टू मजाक रात। ये बताइए फरिया, आपने बड़ा जबरदस्त जोड़ा पहना हुआ है, ये किसका है? सना सफीनाज। अरे वाह, सना सफीनाज, ये तो बड़ी टॉप की डिजाइनर हैं। और अब ये लॉन के अंदर भी इनका बड़ा नाम शाम है। बिल्कुल। तो ये जो लॉन की जो एक जंग शुरू हो चुकी हुई है, खत्म हो गई है। क्या खत्म हो गई जंग? हाँ, लॉन का जो वो जो था ना, एक वो पागलपना, हाँ, वो एक दो साल से बैठ गया। अभी भी लगता है कि जब वो हमें अक्सर देखते हैं, फुटेजेस देखने को मिलती है कि वो लॉन की कहीं एग्जीबिशन खोली तो खवातीन ने खिड़कियां तोड़ दी, दरवाजे तोड़ दिए। सब अब जैसे सोशल मीडिया है ना, वो सारा स्टेज्ड होता है। अच्छा, यानी कि असल में नहीं अब हो रहा है ऐसा? अब असल में नहीं हो। तो मगर जब ये हो रहा था तब आपने इसके अंदर क्या कोई? अब मैं तो सारी औरतों से क्या मैं बताऊं आपको कि वो टूट पड़ी थी, मेरे तो ब्रूजेस हो गए थे, तो स्क्रैचेस पड़ गए थे। क्योंकि हाँ, मैं वहां थी जब ये हुआ था। अच्छा। और वो मुझे उनको दरवाजे बंद करके और दूसरों से लड़ रही है और एक स्ट्रैच करी, मैंने सब मेरे सब सामने हुआ है। ये आपके सामने हुआ? हाँ, सब। तो सब ये आप कभी आपने इस तरह की विटनेस की लड़ाई? नहीं, मैंने भी सोशल मीडिया पर देखी है। तो कभी देखना चाहेंगे असल में? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस लड़ाई से दूरी रखें। आप इतने पॉलिटिशियंस को लड़ते हुए देखते हैं, कभी खवातीन को भी देखिए ना लड़ते हुए, कैसा कपड़ों लड़ाई कराई? कभी नहीं, सुलाई कराई है। अच्छा, ठीक है। मगर वैसे एक बड़ा क्रिटिसिज्म रहा ये लॉन के ऊपर कि इतनी महंगी होती है, व्हाट डू यू थिंक, ये जस्टिफाइड था? आई थिंक अब इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है, ऑल्सो जो टेक्सटाइल वाले ज्यादा लोग हैं वो भी इसमें बहुत ज्यादा आ गए हैं। कॉम्पिटिशन अच्छा हो गया है, काफी चीजें सस्ती हो गई। अच्छा, जैसा कभी आपको लॉन लेने का मिला मौका? नहीं, इन्होंने जो ली साड़ी ली है जी, उन्होंने लॉन का तो लेनी सर, भाभी के लिए ले नहीं सकते, हो सकता है गिफ्ट दिया हो। सोहेल साहब, कभी हुआ? नहीं, बल्कि मेरे भी कपड़े मेरी वाइफ खरीदती हैं अक्सर। जो आपने उन पर डाल दिया सारा कुछ? जी जी। तो सोहेल साहब, कभी को बंदा गिफ्ट देता है आपके साथ, को इनसे पूछ लीजिए कोई अच्छे डिजाइनर का नाम। वो भी हमारी जो आम खवातीन है उनको फैशन मैगजीन, ये जो अखबारों के मैगजीन, ये बड़ी हेल्प करते हैं। अच्छा। वो पहले से ही उन्होंने नोट किए होते हैं कि ये फलां ब्रांड के हैं, ये फलां ब्रांड के हैं, फिर उसके मुताबिक वो जाके खरीद लेते हैं या बनवा लेते हैं। अब बड़ी सहूलत हो गई है क्योंकि 8-10 मैगजीन आते हैं, उसके अंदर ये सारे ब्रांड्स अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं और सोशल मीडिया तो, सोशल मीडिया पे आ जाता है। तो आप लगता तो, है आपने 8-10 मैगजीन बकायदा देखे हुए हैं? मैं देखता हूँ, साफी का काम है हर चीज देखना। इतना फैशन डिजाइनिंग फैल गया है, धोती में जेबां क्यों नहीं लग सकी आज तक? यार आज जो मेरी हालत है काश तेरी होंगी। क्यों? आई वेंट टू द मैंगो सिटी। मैंगो मुल्तान? ओ उत्थे मैंगो फेस्टिवल चल रहा यार, एडे मिठे हम। ओए होए 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 भाई, ऐसा जिनू हाथ लाओ मिठा शहद। ओए मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कि शुक्र अल्लाह का कि मैं पाकिस्तान पैदा हुआ। भला क्यों? क्यों इतने पैदा भी बड़ी ना। अच्छा। समझते हो? ते ओ, मैं दो पेटियां थोड़े वास्ते लैके आया। ओ, थैंक यू। भावे बिस्तरे रख लो, भावे सुराख करके चूचे रख लो। खाली पेटियां तो सस्तियां मिल दिया ना बाहर, ने थोड़े वास्ते गिफ्ट है। ते नाउ आई हैव गो टू द, आप अपना घर चले मैं। अच्छा। क्योंकि मैं घर दस के नहीं आया। ओ। वैसे भी अपना वो माशाल्लाह भाई, ऐसिया शख्सियतां बुलाना तो सानू दसदा ही नहीं। आप मैं कहना सर, ये वाहिद शख्सियत ने जिन्हें दुनिया चैनल दे उत्ते नंबर वन प्रोग्राम है, इसलिए किस दा जा रहा? किस दा जा रहा? मैं तेरे को पूछ रहा, तू मेरे को पूछ रहा? ओए अल्लाह दे बंदिया, ये है वो शख्सियत आज दुनिया कामरान के साथ ओदा अलहदा मकाम है। हर ओदा अलहदा मकाम है। और माशाल्लाह ये उसी शख्सियत ने जिहड़ी सुहेल अहमद साहब दे भी उस्ताद ने। ये कौन है? कामरान शाह साहब दे फैन ने। ये कौन है? दाखो सुहेल वराइच। और सर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, इन्हें तुसी प्रोग्राम किते ने, तुहानू निर्गोली कदी नजर नहीं आया? एक दिन निर्गोली के साथ सर पिंक अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता ना पिंक, वो मैं ऐसा क्यूट लगना ना,
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਪਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਵਿਮਿੰਗ, ਓਪਨ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਪਰਿੰਦੇ ਹੀ ਪਰਿੰਦੇ, ਕੌਂ ਹੀ ਕੌਂ, ਔਰ ਐਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬੀ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਇਤ ਕਿੱਥੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਤ ਸੁਣੇ, ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਇਹ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਆਪ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਆਏ ਹੋਏ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆਪਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲਈ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਔਰ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਮੀ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਮਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬਤਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਮ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਮਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਮ ਖੂਨ ਪੀਤੀ ਹੋ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਰ, ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਮ ਜੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਂ? ਹਾਂ, ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੰਬਰ 1 ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੇਰਾ, ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਿਰਗੋਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬਾਡੀ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਰੱਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਦ ਅਲੱਦ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸਰ? ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਮੇ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਮੇ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਦਿਲ 'ਚ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਤਰੀਨ ਫੋਟੋ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਆ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸਰ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੋ ਸੁਹੇਲ ਵੜਾਇਚ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਵੋ ਫਰੀ ਅਲਤਾਫ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ, ਓਹ ਫਰੀ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ, ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ, ਆਈ ਐਮ ਸੋਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਸੇ ਉਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਆਵਾਰਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕਿ ਵੋ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਸਕੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਵੋ ਮਾਸੂਮ, ਖਾਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾਰ ਸੁਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਬੀਬੀ ਸੇ ਸੁਲਾ ਹੋਗੀ ਯਾ ਫਿਰ ਜੰਗ ਰਹੇਗੀ, ਵੋ ਸ਼ਕਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ, ਬੁਰਾ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਕਿਸ ਕੋ ਲਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ, ਮਥੀਰਾ, ਸਨੀ ਲਿਓਨ ਯਾ ਫਿਰ ਸਾਹਿਰ ਲੋਧੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਨੀ ਲਿਓਨ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਮੈਂਗੋ ਸਿਟੀ, ਮੈਂਗੋ ਮੁਲਤਾਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂਗੋ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਏਡੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਬ, ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਹਿਦ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬਿਸਤਰੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਚੂਚੇ ਰੱਖ ਲਓ।
खाली पेटियां तो सस्तियां मिलदियां ना बाहर ले थोड़े वास्ते गिफ्ट है ते नाउ आई हैव गो टू द अब अपना घर चले हैं मैं अच्छा क्योंकि मैं घर दस के नहीं आया ओ. वैसे भी अपना ओ माशाल्लाह भाई ऐसी शख्सियतां बुलाना तो सानू दसदा ही नहीं आप मैं कहना सर ये वाहिद शख्सियत ने जिन्हें दुनिया चैनल दे उत्ते नंबर वन प्रोग्राम है इसलिए किसदा जा रहा किसदा जा रहा मैं तेरे को पूछ रहा तू मेरे को पूछ रहा ओए अल्लाह दे बंदिया ये है वो शख्सियत आज दुनिया कामरान के साथ ओदा अलहदा मकाम है हर ओदा अलहदा मकाम है और माशाल्लाह ये उसी शख्सियत ने जड़ी सुहेल अहमद साहब दे भी उस्ताद ने ये कौन है कामरान शाह साहब दे फैन ने ये कौन है दाखो सुहेल वराइच और सर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई इन्हें तुसी प्रोग्राम किते ने तुहानू निर्गोली कभी नजर नहीं आया एक दिन निर्गोली के साथ सर पिंक अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम में उतना पिंक उसे मैं ऐसा क्यूट लगना ना तुम वेखना एक बार ओपन हो गए ना स्विमिंग ओपन स्विमिंग पूल उतने मैं ना रहा हुआ चारों पास परिंदे ही परिंदे कौ ही कौ और ऐसा मंजर होता है जब दुनिया चैनल से चलेगा ना जी तो आपका प्रोग्राम पहले तो भी दो नंबर हो जाएगा तो माशाल्लाह भाभी बाजीरी नहीं भाभी बाजीरी अपना भी एंकर ने बाजीरी एंकर नहीं है बाजीरी मॉडल है माशाल्लाह भाभी मॉडल तो सन दस ही नहीं दुनिया दुनिया सारिया दल खोल के रख दें अपना दस ही नहीं रहे हाँ माशाल्लाह लग रहे भी अलग अलग बैठे ने लेकिन मैं ऐसे मियां बीवी तो रश्क भला क्यों होता कि दोनों चेहरे तो लग रहा भी आपस में इंतहाई मोहब्बत करते हैं एहतराम करते हैं बात सुने अजीब बात ये सर मैं क्यों तिल मिला रहा हूं आप हंसी जा रहे हैं नहीं बड़ी वो अलग आई हैं वो अलग आए हुए वही मैं कह रहे हैं भी होंगे ही इस तरह बाज औकात भी बंदा वो दफ्तर होंगे ना उन्होंने फिर फोन किया ना भी तुम आ जाओ उ चल के कट्ठे हो जावे आप ये सारा दिन बाहर ही गुजारते हैं मैं तुम बेफिक्र हो जाओ यकीन हो गया वाह जी आपके चेहरे पे खुशी देखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और सेम लाइक मी मेरी बीवी मैंने एक दिन अचानक कह दिए तुमने शादी से पहले बताया ही नहीं कि तुम सिगरेट पीते हो मैं कहा तुमने शादी से पहले बताया ही नहीं कि तुम खून पीती हो एक्सक्यूज मी मैं एक तस्वीर सर तस्वीर जरूर ले लूं लेकिन तुम जो समझ रहे हो वो नहीं है, है? हाँ मामला खराब हो गया अरे मामला कभी था ही नहीं वैसे बड़े गल है सर के मतलब बाहर सानू खुशबाज नजर आते हैं अंदरों है ही नहीं अरे अंदरों तुम अंदाजा नहीं कि इस वे पाकिस्तान के जे चार नंबर वन तफ्तीशी ने उन्होंने एक नाम मेरा मियां अफजल निर्गोली सानू तो गुफ्तगू बॉडी मैनरिज्म तो पता लग जाता भी की मामला चल रहा तो माशाल्लाह अल्लाह तुम खुशबाज रखे भावें अलग अलग रहो लेकिन वो जर्नलिस्ट हैं वो मॉडल रह चुकी हुई हैं फैशन कोरियोग्राफर हैं माशाल्लाह तो पहली मुलाकात कितनी हुई सर यार पहली मुलाकात यही है पहली मुलाकात है हाँ वो लाहौर में रहते हैं वो कराची में रहती हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है कोई ऐसी गल नहीं है सर अल्लाह तुम्हारी जिथे मर्जी रहो दिल च बस प्यार होना चाहिए जी वाह कदम च जी सर ये मेरी जिंदगी की कीमती तरीन फोटो है इंशाल्लाह आप बहुत ग्रेट इंसान है सर काम की कर देने नहीं नहीं वो तो मैंने पता भी सहाफी ने हाँ। बड़े बड़े सीनियर सहाफी ने हाँ, नहीं तो सर देनी तुम तनख्वाह मिलती फिर अलहदा अलहदा क्यों रहते हो अरे यार वो अलहदा अलहदा आए हुए हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में हाँ यानी बिल्कुल ही नहीं वो सुहेल वराइच साहब हैं वो फरिया अल्ताफ हैं वही मैं सोच रहे हैं बाजी रो मैं किधरे वेख्या ओ फरिया अल्ताफ साहब ओ माई गॉड आई एम सॉरी अबाउट दैट सुला कर लो गुर्बत भी नहीं दिल से ऊपर भी नहीं।
नहीं जाता, आवारा है इतना कि वो घर भी नहीं जाता। देखो जो उसकी शक्ल तो लगता है वो मासूम, खाता है बड़ी मार घर भी नहीं जाता। बीवी से सुलह होगी या फिर जंग रहेगी, वो शख्स कोई फैसला कर भी नहीं पाता। बुरा फसे आ। आप इनमें से किसको लिफ्ट देना चाहेंगे, मथीरा, सनी लियोन या फिर साहिर लोदी? मेरा ख्याल है सनी लियोन ही बेहतर है। अच्छा।